So hello everyone, welcome back to your own English learning channel that is Subject Sorry. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है आज पोम सेकंड की फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th की राइट कीपिंग क्वाइट पोम को जो है क्वेश्चन आंसर्स उसको बेसिकली हम कवर करने जा रहे हैं इन टूडेज सेशन. ऑल राइट, सो कीपिंग क्वाइट की जो फॉर्म है उसको ऑलरेडी हम अच्छे से समझ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, और जो पहली फॉर्म थी हमारी माई मदर एट 66 वो भी हम बहुत अच्छे से प्लस उसके क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कवर अप करके आ चुके हैं. तो किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जो है मेरी प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट सॉलिड की बेसिकली प्लेलिस्ट में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगी. तो आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म सेकंड की कीपिंग क्वाइट, जिसके क्वेश्चन जो है बेसिकली हम कवर करने जा रहे हैं आज. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव. कि पहले बात तो समझ लो वट का मतलब क्या हो जाता है, क्या. ठीक है, काउंटिंग अप टू का मतलब क्या हो जाता है, तक. अप टू का मतलब हो जाता है हिंदी में बोले तो तक, जैसे कि यू हैव टू काउंट अप टू 12, आपको 12 तक गिनती गानी है. ऑल राइट, तो इसका मतलब ऐसे हो जाता है. आगे है स्टिल. स्टिल का मतलब होते हैं नो मोशन. मोशन समझते हैं मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट ना होना, स्टिल यानी वैसे की वैसे पोजिशन में थम जाना. ऑल राइट, तो अब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं वट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव. कि जैसे पोम में बोला गया है हमें 12 तक काउंटिंग करनी है और उसके बाद क्या करना है, एकदम शांत हो जाना है, बिना किसी मूवमेंट के स्थिर हो जाना है. तो उससे हमें क्या हासिल होगा आखिर, तो वो पूछा गया है. तो चलिए आंसर पे पढ़ते हैं. ऑलराइट, देखिए द क्विटनेस कैन हेल्प अस. क्विटनेस क्या होता है, शांत, चुप रहना. ठीक है, क्वाइटनेस बेसिकली द क्वाइटनेस कैन हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड कामनेस इन द एज ऑफ फ्यूटाइल एक्टिविटीज. जो क्वाइटनेस है ना, जो शांति है, वो हेल्प करेगी हमारी, यानी तो मदद करेगी अंडरस्टैंड करने में, समझने में इम्पोर्टेंस को. किसकी इम्पोर्टेंस, किसकी ज़रूरत, पीस एंड कामनेस. शांति और पीस और कामनेस दोनों का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, शांति. ठीक है, तो जो क्वाइटनेस है, अगर हम शांत बैठेंगे तो वो हमें शांति की क्या महत्वता है उसको समझने में मदद करेगी. इस इन आए दिन बिजी एवरीडे एक्टिविटीज़ में जो हम लगे रहते हैं, कभी काम करना है, कभी कुछ करना है, कभी कहीं जाना है, कभी किससे मिलना है, कभी कोई कॉल अटेंड करनी है, कभी कोई मीटिंग अटेंड करनी है, तो ये सारे एवरीडे जो हमारी एवरीडे बोलो, बिजी बोलो या फ्यूटाइल बोलो, एक ही बात है. तो एक्टिविटीज़ है उसमें जो हम उलझे रहते हैं, उसमें उस एरा में हमें एक शांति की क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए स्टिलनेस होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट ये था. सेकेंड देखिए, कॉन्स्टेंट एक्टिविटीज़. कॉन्स्टेंट बोलते हैं लगातार को. ठीक है, एक्टिविटीज़ हो गई हमारी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ कोई भी एक्शन, कोई भी हम काम करते हैं. ठीक है, तो जो लगातार हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमें कहाँ लेके जा रही है, कैन लीड टू, वो हमें लेके जा रही है कहाँ, वार की ओर, यानी युद्ध की ओर एंड इन्वायरमेंटल सफरिंग. जैसे कि हमने फॉर्म में बात की थी कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स जो है वो किस तरह से अपने ही फायदे के लिए इन्वायरमेंट की चीज़ों का, इन्वायरमेंट का इतनी पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना. तो उससे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है. तो आगे देखिए, टेकिंग टाइम टू स्टॉप एंड थिंक अबाउट आवर एक्शंस. तो अगर हम कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे, बिना किसी मूवमेंट के बैठेंगे एक पोजिशन में और ध्यान लगाएंगे कि हम क्या एक्शंस कर रहे हैं, हम कितना हार्म कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, तो वो हमारी मदद करेगा टूवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड मूव करने में. ठीक है, एक बेटर वर्ल्ड की ओर मूव करने में, एक बेटर वर्ल्ड बनाने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम उन एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं जो हम कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुँचा रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो चाहे फिर उस नेचर. ठीक है, एक ही बात है बेसिकली. सो द क्वाइटनेस कैन हेल्प विद इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ एनालिसिस. तो इस तरह से जो हमारी शांति पूर्वक अगर हम बैठते हैं तो वो हमारी मदद करेगा, हेल्प करेगा इंट्रोस्पेक्शन करने में. इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद की अंडरस्टैंडिंग करना. ठीक है, इंट्रो मीन्स सेल्फ, और सेल्फ एनालिसिस अगेन सेल्फ टेस्ट करना, खुद को समझना. टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम आर रूटीन कैन हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ एंड दोस अराउंड अस बेटर. अगर हम टेक यानी लेना, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, एक छुट्टी टाइप लेते हैं 10-15 मिनट की, ऐसा नहीं पूरा टाइम ऐसे नहीं बोल गया फॉर्म में, पॉइंट ने क्या बोला, अगर आप छोटा सा ब्रेक लेते हैं अपने रूटीन डेली एक्टिविटीज से, तो वो हमारी मदद करता है अपने आप को समझने में,
ठीक है, और हमारे आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं उसको बेटर बनाने में, क्योंकि जब हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं ना, तब हमें अच्छे बुरे का ख्याल होता है, राइट? हम सोचते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेटर है, कौन सी नहीं है। बट आज के टाइम में क्या हो गया है कि हम इतना डेली एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं कि हम उस चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली हम इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो बेसिकली 12th तक काउंटिंग करने का, स्टिल रहने का मेन चीज़ क्या है, मेन यही है कि हम अपने आप को समझ सकें एंड अपने वर्ल्ड को, आसपास की सराउंडिंग्स को बेटर बना सकें। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टूवर्ड सेकेंड क्वेश्चन, डैट इज़ डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं द पोइट, जो पोइट है हमारा पाब्लो नेरुडा, जिन्होंने पोम को लिखा है एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या आप सोचते हैं कि जो हमारे पोइट है पाब्लो नेरुडा, वो इशारा करे, एडवोकेट करे, यानी इशारा करे है टोटल बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाओ, और एक तरह से देखो टोटल इनएक्टिव को हम रिलेट करते हैं डेथ से, क्योंकि जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, मूवमेंट ही नहीं हो रही, 1% वो डेथ पर्सन के डेथ पर्सन के रिलेटिव हो, राइट? क्योंकि वहाँ पे कोई मोशन नहीं होता। तो क्या इससे हमारा पॉइंट इशारा कर रहा है कि एक्टिविटी नहीं करनी, मतलब इनएक्टिव हो जाओ और डेथ के समान हो जाओ? तो देखते आइए, ठीक है। तो आंसर क्या है, हमने पोम में भी अच्छे से, काफ़ी अच्छे से समझा था कि नो, द पॉइंट डजेंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। हमारा पॉइंट ये नहीं कह रहा कि एकदम इनएक्टिव हो जाओ, कोई भी एक्टिविटी ही ना करो, सब छोड़ के बैठ जाओ और एक तरह से डेथ बॉडी बन जाओ, ऐसा उसका रेफर नहीं है। क्या कहते हैं, द पोइट पाब्लो नेरुडा जो है वो कहते हैं, मेक्स इट क्लियर करते हैं दैट स्टिलनेस इज नॉट द सेम, स्टिलनेस स्थिर रहना बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है टोटल इनएक्टिविटी के, ठीक है। तो मेन बात क्या है, स्टिलनेस और टोटल इनएक्टिविटी में एक ह्यूज डिफरेंस है। देखो टोटल इनएक्टिविटी का मतलब, टोटल इनएक्टिविटी अगर हम बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाते हैं, 1% काम नहीं करते, वो हमें ले जाती है डेथ की ओर, क्योंकि उसमें कोई मोशन ही नहीं है, वो डेथ के बराबर ही है। पर जो पॉइंट है, बट द पॉइंट डजेंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद डेथ, पर यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो बिल्कुल भी डेथ से एसोसिएट नहीं कर रहा है, यानी डेथ से बिल्कुल भी इस बात को नहीं जोड़ रहा है, ठीक है, स्टिलनेस को डेथ से नहीं जोड़ा जा रहा है। ये बात आप ध्यान से समझेंगे, पोइट एक्चुअल में चाहते क्या है स्टिलनेस के जरिए, पोइट कहते हैं, चाहते हैं पीपल, लोगों से टू स्टॉप फॉर अ वाइल टू एनालाइज देयर एक्टिविटीज़, कि वो कुछ समय के लिए जो भी दिनचर्या के एक्टिविटीज़ करते हैं, एवरीडे रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको रोक दें कुछ टाइम के लिए, ठीक है, स्टिल हो जाए और एनालाइज करें, ध्यान करें अपनी एक्टिविटीज़ को, और उनके क्या परिणाम, बेसिकली रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, उनकी ओर ध्यान रखें। तो बेसिकली ओवरऑल स्टिलनेस का क्या मतलब बताया जा रहा है पोइट के हिसाब से, ये कोई टोटल इनएक्टिविटी या डेथ नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि हम पूरी रेगुलर, जो हम रेगुलर हमारा डेली रूटीन बना है, उसमें से हम 5 मिनट्स एटलीस्ट निकाल के क्या करें, तो खुद की एक्टिविटीज़ पर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर एनालाइज करें, खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। ही वॉन्ट्स पीपल, वो चाहते हैं लोगों से टू स्टॉप वार्स, कि जो हम युद्ध लड़ते रहते हैं किसके प्रति, इन्वायरमेंट को हार्म करने में लगे रहते हैं, एंड एक्टिविटीज़ दैट डैमेज द इन्वायरमेंट, वो एक्टिविटीज़ जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज करती है, लोग नए नए घर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो पेड़ तोड़ देते हैं, है ना, और जंगलों में आग लगा देते हैं पेड़ों को, तो वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से हार्म कर रही है। तो वही जो है हमारे पॉइंट चाहते हैं कि हम कुछ पल शांति के बैठे, बिना किसी मोशन किए, थोड़ी देर के लिए एक्टिविटीज़ को स्टॉप करें और अपनी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसके क्या परिणाम निकलते हैं उनके बारे में ध्यान से सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें। ही वॉन्ट्स पीपल टू रिसोर्ट पीस, वो चाहते हैं कि लोग जो है रिसोर्ट कर जाए, यानी वापस से रिविजिट कर जाए, कहाँ, शांति की ओर, काइंडनेस, दयालुपन की ओर, और ह्यूमैनिटी, जो आज के समय में शायद ही कहीं दिखती हो, इंसानियत, ठीक है। द पोइट वांट्स पीपल, जो पोइट है वो चाहता है लोगों से कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे, खुद को समझने की कोशिश करे कुछ पल शांति के बैठकर, विच कैन ओनली हैपन व्हेन वन इज अलाइव एंड कॉन्शियस, और इंट्रोस्पेक्ट तभी हो सकता है जब एक बंदा, एक व्यक्ति क्या हो, अलाइव हो, जिंदा हो, प्लस कॉन्शियस हो, उस चीज को ध्यान से सोचे, ठीक है। तो हमारे पोइट का बिल्कुल भी डेथ और टोटल इनएक्टिविटी से रिलेशन नहीं है, वो बस चिन्हस की बात कर रहे हैं, विच इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। ऑलराइट, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज सैडनेस, सैडनेस यानी दुख क्या है, दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोम, जो कि हमारा पोइट पाब्लो नेरुडा पोम कीपिंग क्वाइट में रेफर कर रहा है,
तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसमें हमारे जो पोइट है वो सैडनेस किसको बता रहे हैं, ठीक है, दुख किसको बता रहे हैं। तो इसके दो आंसर्स हैं, देखो आपको जिसमें इजी लगे ना, दोनों का मतलब एक ही निकल के आएगा, ठीक है। एज पर योर कंसर्न चॉइस यू कैन टेक एनी ऑफ दी आंसर। ऑल राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट आंसर, दैट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोम। जो कीपिंग क्वाइट पोएम में जो हमारे पेब्लो नेरुडा जी हैं वो सैडनेस के बारे में क्या किसे रेफर कर रहे हैं, वो सैडनेस वो दुख है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड नेचर। एक ऐसा दुख, किसका दुख है, ना तो हम ह्यूमन बींग्स खुद को समझते हैं कभी, और ना ही इन्वायरमेंट को नेचर को समझते हैं। यही सबसे बड़ा दुख है पोइट के हिसाब से पोम में, ठीक है। क्या बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स इन अ फ्रेंजी ऑफ एक्टिविटीज। फ्रेंजी ऑफ एक्टिविटीज मतलब एक्टिविटीज़ में लगे रहना, जी तोड़ लगे रहना, सुबह उठना, खाना खाना, जॉब पे चल जाना, जॉब से आके फिर सो जाना, खाना खा के उसके बाद फिर उठना। तो ये डेली रूटीन में जो हम फंसे रहते हैं, हैव नो टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो हमारे पास बिल्कुल भी खुद को समझने का, खुद की एक्टिविटीज़ को समझने का, इवन उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसको समझने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। एंड थर्स थ्रेटन themselves विद डेथ और डिस्ट्रक्शन। और इसीलिए जो एक ह्यूमन बींग है वो अपने आप को थ्रेटन करता है, धमकाता रहता है, डरता रहता है, किससे, तो खुद से डेथ को लेकर और डिस्ट्रक्शन के, कब उसके आगे सामने मौत आ जाए, उसका डिस्ट्रक्शन, उसके जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाए, उससे हमेशा वो डरता फिरता है। तो सबसे बड़ी सैडनेस यही है कि एक ह्यूमन बींग ना तो खुद को समझता है 2 सेकेंड का टाइम देकर, ना ही इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। या फिर तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो द सैडनेस डेट द पोइट रेफर्स टू इन द पोम इज द सैडनेस कॉज्ड बाय आर ओन एक्शंस। सैडनेस हमारा जो पोइट है पोम में उसको रेफर कर रहा है, किसको, जो ह्यूमन बींग्स के खुद के एक्शंस है, एक्टिविटीज़ है, खुद के जो काम करता है। क्या है, पीपल डोंट स्टॉप टू थिंक, पीपल बिल्कुल भी रुकते नहीं है सोचने के लिए एंड एनालाइज देयर ओन एक्शंस। पीपल, ह्यूमन बींग कभी भी नहीं सोचते कि वो जो काम कर रहे हैं उसका क्या एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। और जब वो ऐसा नहीं सोचते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, वो समझ ही नहीं पाते हैं। जब हम किसी चीज़ को सोचेंगे ही नहीं तो वो क्या नहीं समझ पाते कि इफ़ वट दे डू इज़ राइट और रॉन्ग। जब हम किसी चीज़ को शांति से 2 पल बैठ के यही नहीं सोचेंगे कि जो चीज़, जो एक्शन हम लेने वाले हैं या ले लिया है या आगे लेंगे, वो हमारे लिए सही है, मेनली प्रेजेंट की बात की जा रही है, वो सही है या नहीं है, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा इस बात को कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है या फिर तो रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। एंड दे एंड अप, और वो एंड कहाँ पे करते हैं, डूइंग द रॉन्ग थिंग, और गलत रास्ते पे वो गलत चीज़ कर बैठते हैं, ठीक है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू सैडनेस। जो ऑब्वियस है हमें दुख की ओर ले जाएगा, क्योंकि हमने रॉन्ग डिसीजन जो है, बेसिकली डिसीजन जो है ले चुके होते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट if you want to understand our own actions and its consequences. All right, now move towards our fourth question, that is the last question of the poem. All right, so what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? ऐसे क्या symbols का हमारे जो poet है पैब्लो नेरुडा जी वो use कर रहे हैं keeping quiet poem में, जो कि क्या बता रहा है, तो stillness की एक life में स्टिलनेस होगी, उसके बावजूद भी हम जो है एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है। और सिंबल जो है वो नेचर के जरिए उन्होंने शो करा है। तो ऐसे कौन सा सिंबल है, पहले तो सिंबोलिज्म या सिंबल का क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं। देखो, सिंबल या सिंबोलिज्म इज अ वे, एक तरीका होता है टू एड मीनिंग ए डेप्थ टू अ पोम। एक कविता में, एक पोम में डेप्थ यानी कि गहराई, और उसमें एक मीनिंग डालने का क्या है, एक जरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो अ फ्लावर, एक कोई भी फूल या तो तितली, बटरफ्लाई, कुड बी यूज टू रिप्रेजेंट ब्यूटी, ब्यूटीनेस को दर्शाने के लिए अगर एक पोम में किसी फ्लावर का या तो बटरफ्लाई का यूज़ किया जा रहा है, तो वो एक रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, ठीक है। तो ये होता है सिम्बॉलिज्म, कि अर्थ, अर्थ के किसी भी, हमने जो बोलते हैं ना कि नेचर से कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया उठाने के लिए, ताकि हम उसे शो कर सके, उसके अंदर एक अलग ही मीनिंग और डेप्थ छुपा होता है। तो पोम में जो सिंबॉलिज्म का यूज़ होता है वो इसी चीज़ के लिए होता है। और हमारे पैब्लो नेरुडा जी जो है, नेरुडा जी, उन्होंने भी जो है सिंबॉलिज्म का काफ़ी यूज़ किया इस पोम में। एंड ऑफ दी लाइन्स में देखो कैसे किया है, द अर्थ इज़ अ लिविंग सिंबल। अर्थ जो एक ऐसा लिविंग सिंबल है, जिंदा सिंबल है, जो शो करता है कि जो नेचर इन्वायरमेंट है हमारा, इज़ ऑलवेज एट वर्क, वो हमेशा ही काम में लगा रहता है, इवन व्हेन इट सीम्स स्टिल।
हालांकि ऐसा दिखता नहीं कि वो मूवमेंट कर रहा है, बट है ना, स्टिल है, शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे ऊपर, जैसे प्लांट्स को देख लो, वो अपना धीरे धीरे उगते हैं, तो कहीं ना कहीं तो काम चल रहा है ना, बट हमें वो आई से नहीं दिखता आपने, बट वो चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के जरिए, इवन थो द अर्थ सीम्स डेड एट नाइट और ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान और रात के समय, हालांकि हमारे को जो अर्थ है वो एकदम डेड, मरा हुआ दिखता है, देर इज, मतलब कि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, देर इज स्टिल लाइफ एवरीवेयर, बट हम ये कह सकते हैं हालांकि अब भी लाइफ जो है हर जगह है, ऐसा नहीं कि अर्थ की मूवमेंट दिख रही है, पर सारे लोग रहते हैं इधर, पानी मिलता है, वायु है इधर, है ना, सब कुछ है, तभी हम लोग रह पा रहे हैं। तो देखो फिर भी हमारे को लाइफ मिली हुई है। दिस टीचेस अस, ये हमें क्या सिखाते हैं, डेट वी शुड लर्न, कि हमें लर्न, याद करना चाहिए टू बी स्टिल एंड क्वाइट, कि हमें शांत रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, बट ऑल्सो फुल ऑफ लाइफ, स्टिलनेस और क्वाइटनेस के साथ हमें पूरी अपनी लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है, बट स्टिलनेस और क्वाइटनेस के साथ। ऑलराइट, हाउएवर दिस स्टिलनेस डजंट एक्चुअली मींस दैट, अगर हम एक्चुअल बात करें तो स्टिलनेस एक्चुअल में डेथ नहीं होती, जो ऑलरेडी हम ऊपर समस्या आ चुके हैं, स्टिलनेस का बिल्कुल इनएक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है, एक ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों के बीच, ठीक है। स्टिलनेस का मतलब क्या होता है, स्टिल तो रहो बट अपनी लाइफ को जियो, इंट्रोस्पेक्ट करो, कॉन्सिक्वेंसेस देखो, अपने एक्शंस को समझो, ठीक है। दूसरी तरफ डेथ टोटल इनएक्टिविटी को डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल भी मोशन ना होना, ठीक है। तो ये हम कीपिंग पॉइंट का जो सेंट्रल पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है बच्चों, इंट्रोस्पेक्शन, स्टिलनेस, पीस, इंट्रोस्पेक्शन, ये ऐसे थ्री वर्ड्स हैं, की टर्म्स है यू कैन से, जो इस पोम के सेंट्रल थीम माने जा सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से हम समझ चुके हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करने से कितना फ़ायदा हो सकता है हम लोगों को, अपने एक्शंस को समझ सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ के हम इन्वायरमेंट को हार्म करने से रोक सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो लाइक इट, ऑलराइट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड और इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, यू कैन यू नो कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो, बाय बाय।